था, वो सिर्फ एक कॉमेडी बेसिस पर था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था उस कैरेक्टर से। हम ये जो वीडियो बनाते हैं सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाते हैं, आपको मनोरंजन हो इसलिए बनाते हैं। हमारा कोई इंटेंशन नहीं रहता कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। और जाने अनजाने में वो कैरेक्टर में थोड़ी गालियां ज़्यादा हो गई जिससे कुछ लोग ऑफेंड हो गए। हेलो, वेलकम टू माय चैनल शान एडा एंटरटेनर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राउंड 12 की। सुबह जैसे मैंने वीडियो बनाया था, तो मुझे अभी जाके पता लगा है, मैंने उनका वीडियो देखा, उन्होंने एक घंटे पहले वीडियो अपलोड कराया कि वीडियो उन लोगों ने क्यों डिलीट करा, क्यों प्राइवेट करा। तो उन्होंने सारी बात बताई है और आप सुन सकते हैं लोग क्या बोला उन्होंने। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमने एक रिसेंट में वीडियो डाली थी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, तो वो डिलीट कर दी गई है और हम लोगों ने ही करी है। तो उसका रीज़न ना तो टिकटॉक है और ना यूट्यूब है। गाइस, उसका रीज़न ये है कि हमने इस वीडियो में एक कैरेक्टर प्ले किया था मोदी जी से मिलता जुलता, वो सिर्फ एक कॉमेडी बेसिस पर था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था उस कैरेक्टर से। हम ये जो वीडियो बनाते हैं सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाते हैं, आपको मनोरंजन हो इसलिए बनाते हैं। हमारा कोई इंटेंशन नहीं रहता कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। और जाने अनजाने में वो कैरेक्टर में थोड़ी गालियां ज़्यादा हो गई जिससे कुछ लोग ऑफेंड हो गए, तो वो वीडियो हमें डिलीट करनी पड़ी, जो कि गलत नहीं है। अगर उसमें कुछ लोग ऑफेंड हुए हैं तो हम इस चीज़ को मानते हैं और हम ये चीज़ अभी सीख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम प्राइम मिनिस्टर जी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हमने उनके हर डिसीजन को फॉलो किया है, बल्कि लोगों से भी रिक्वेस्ट की है कि इन चीज़ों को फॉलो करो, उनके डिसीजन को, चाहे वो लॉकडाउन का रहा हो या किसी भी तरह का डिसीजन रहा हो उनका। इवन हमने पीएम केयर फंड में भी जितना हो सकता था उतना डोनेट किया, और डोनेट करने के बाद भी लोगों को बताया कि भाई आप भी डोनेट करो, रिक्वेस्ट की उनसे अपने सोशल हैंडल से, वीडियोस बनाई कि लोग फॉलो करें इन चीज़ों को। तो वो जो मोदी का कैरेक्टर था, शायद उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है, और मुझे भी लगा था शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि इस वीडियोस में काफ़ी गाली थी, बहुत सारी थी। तो मैं सोच रहा था क्या भसूड़ी, क्या प्रॉब्लम आ चुकी है, क्या आ चुकी है। लेकिन मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस करा था, उसने बोला था कि ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भी लगा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक कैरेक्टर और वो बहुत सारे वीडियोज़ में इसको करते रहते हैं। तो मुझे नहीं पता था शायद ऐसा होगा, लेकिन अब ऑफेंड हो गए हैं तो अब लेकिन उन लोग का ऐसा इंटेंशन था नहीं, उन्होंने तो बाकायदा टिकटॉक और उनकी बजाई है। लेकिन हो सकता है क्योंकि वो लोग इस वीडियो में बहुत अब्यूजिंग कर रहे थे, और शायद वो मोदी के कैरेक्टर में आके बहुत अब्यूजिंग कर रहे थे, शायद इस वजह से तो ये प्रॉब्लम हुई है, तो उनको वीडियो डाउन करना पड़ा। और अभी 12 बज रहे हैं तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं, पोस्ट भी कर देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें, और लाल सा बटन उसको दबा दें ताकि हम लोग अगले वीडियो में कनेक्ट रहें। और गाइस, मेरा वीडियो फटाक से सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, प्लीज़ 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 सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ताकि मैं धुआंधाड़ा तबाही मचाऊँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।